Hi, I am Ashutosh Singh and I am going to solve this question of integration. Integration question is, using contour integration you evaluate 0 to 2 pi 1 upon 3 plus 2 sin theta d theta. तो इसे हम आई मान लेते हैं 0 से 2 pi 1 upon 3 plus 2 sin theta d theta. यहाँ सब्सटीट्यूशन लेंगे, जेड की वैल्यू e टू द पावर आई थीटा लेंगे, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड की पावर माइनस वन यानी e टू द पावर माइनस आई थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ से दो इक्वेशन है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड प्लस वन अपॉन जेड डिवाइड बाई टू आई, इसे यहाँ पुट करते हैं, और डी जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, dz इज इक्वल टू dz बाई डी थीटा की वैल्यू, e टू द पावर आई थीटा का आई थीटा, और i फिर से यानी कि इसको आई जेड लिख सकते हैं, तो d थीटा की वैल्यू भी dz अपॉन आई जेड पुट कर सकते हैं यहाँ पे, वन डिवाइड बाई थ्री प्लस टू साइन थीटा की वैल्यू, z प्लस वन अपॉन जेड डिवाइड बाई टू आई, डी थीटा की वैल्यू dz अपॉन आई जेड over this contour C, and C is defined by z is equal to e to the power I theta. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, वन डिवाइड बाई थ्री प्लस टू अपॉन टू आई लिख सकते हैं, और इधर क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड इंटू डी जेड अपॉन आई जेड। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, जेड का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ कर सकते हैं, या जेड का इधर मल्टीप्लाई आई जेड का इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अंदर ले लेते हैं तो इसका क्या होगा थ्री आई जेड, और टू से टू कट गया, आई जेड आई से आई कट गया, तो यहाँ क्या आ गया खाली जेड, और जेड से फिर जेड कट जाए यानी कि जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू डी जेड यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन ये आएगा, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, जेड की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, दो रूट्स हैं प्लस माइनस करके, एक प्लस वाला अल्फ़ा ले लेते हैं इसको, माइनस थ्री आई प्लस आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन वन यानी माइनस नाइन माइनस फोर माइनस थर्टीन यानी कि रू आई रूट थर्टीन इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई टू, यहाँ पे बेसिकली जो है साइन थीटा की वैल्यू जेड माइनस वन अपॉन जेड होगी, यहाँ पे जेड माइनस वन अपॉन जेड जेड माइनस वन अपॉन, तो यहाँ पे माइनस वन होगा, अगर माइनस वन होगा तब जेड की वैल्यू जो निकलेगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, और यहाँ पे माइनस वन आएगा यानी कि नाइन माइनस नाइन प्लस फोर, तो ये कितना आएगा माइनस फाइव, और ये क्या आएगा आई यहाँ पे फाइव हो जाएगा, फिर इसी तरीके अगर बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री आई माइनस वाला इस बार ले लेंगे आई रूट फाइव डिवाइड बाई टू, इस तरह हो जाएगा। तो इसके रूट्स इसको फैक्टराइज किया है तो इसको किस तरह लिख सकते हैं जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, अब यहाँ माइनस है एक प्लस है इधर दोनों माइनस हैं, तो सर्किल के अंदर कौन सा होगा ये वाला रूट, तो यानी कि रेजिड्यू हमें किस पे निकालना होगा अल्फा पे,
टू पाई आई डैश टू एट जेड इज इक्वल टू अल्फा, दैट विल बी वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री का है पोल ये। अब अल्फा माइनस बीटा अगर यहाँ से निकालें तो वो कितना निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा ये वाला टर्म इससे कट गया, ये कितना आ जाएगा टू आई रूट फाइव बाई टू, यानी आई रूट फाइव आ जाएगा, टू पाई आई आई रूट फाइव कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करें अगर कितना आएगा, आई से आई कैंसिल, तो टू पाई बाई रूट फाइव